हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक अर्निंग सपोर्ट। गाइस, इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं ई कॉइन्स की। ई कॉइन्स के ऊपर मुझे दोबारा से वीडियो इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि इनकी कुछ और अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। कुछ और फ्री टोकन्स आप अर्न कर सकते हैं। अब किस तरीके से और फ्री टोकन्स अर्न कर सकते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर करने हैं मुझे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। मैं आपको ले चलती हूँ ई कॉइन की वेबसाइट की साइड में। ये है इनकी वेबसाइट जहाँ पे हम लोगों ने साइन अप किया था। साइन अप करने के बाद में ये अपना प्रोसेस था। इसके अलावा मैं आपको टेलीग्राम पे इनकी अनाउंसमेंट चेक करा देती हूँ जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जो मैंने इनकी पिन पोस्ट को यहाँ पे क्लिक किया और चेकआउट किया तो मुझे ये पता चला कि अभी ये लोग 40 ई कॉइन्स जो हैं वो भी दोबारा से सब लोगों को फ्री में दे रहे हैं। मतलब 40 ई कॉइन्स जो हैं आप अर्न कर सकते हैं एज अ रिवॉर्ड। किस तरीके से, ये जो लिंक आपको दिख रहा है, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे सो ये आपको डिडक्ट करेगा आपके ही डैशबोर्ड पे जहां पे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद में फर्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा क्लेम योर फ्री 40 ई कॉइन्स टोकन्स। तो क्लेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे सो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन कि कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आपको आपके टोकन्स मिल चुके हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा कॉन्ग्रेचुलेशन 40 ई कॉइन्स हैज बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर टू योर बैलेंस। इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, इसका मतलब कि 40 टोकन्स जो हैं वो आपके बैलेंस में आ चुके हैं। इस माई ट्रांजेक्शन पे जाके मैं आपको दिखा भी दूंगी, मुझे मिला है। अब उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट एक और इनकी अपडेट दे रही हूँ जिसको सुन के आपको झटका लग सकता है कि जब आप अपनी इस साइट को ओपन करेंगे तब आप ये देखेंगे कि आपके वॉलेट के अंदर जो आपका बैलेंस था वो अब हो चुका है कम। जैसे कि मेरा भी बैलेंस हो चुका है कम। अब क्यों कम हुआ है इसके बारे में बता देती हूँ। जो ये सेविंग बैलेंस आप देख रहे हैं और ये चैरिटी वाला जो बॉक्स आप देख रहे हैं, यहाँ से उठा के ये टोकन्स यहाँ भेज दिए गए हैं। अब क्यों भेज दिए गए हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम ट्रांजेक्शन पे जाते हैं, मेरी ऑल ट्रांजेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ सो मेरे पास में एक और न्यू डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें मेरी सभी ट्रांजेक्शन आपको शो हो जाएगी। सो वही आपको बतानी है। देखिए, ये तो है वो ही अवार्ड जो मैंने अभी क्लेम किया और आपको बताया। जस्ट उस लिंक पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाएंगे, 40 ई कॉइन्स जो है आपको फ्री मिल जाएंगे। और एक और बात बताना भूल गई कि ये 40 ई कॉइन्स जो फ्री आपको मिल रहे हैं ये वैलिड अभी केवल 12 घंटे तक का ही प्रोग्राम है। मतलब कि 7 तारीख के दिन के 12 से 1 बजे तक ही ये टोकन्स जो है आपको फ्री में मिलेंगे 40। उसके बाद ये वाला प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो देख ली है तो 2 सेकंड का काम है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब दोबारा से मैं अपनी उसी टॉपिक पे आ जाती हूँ। हाँ, 40 मिल चुके थे। अब जो हमारे जो मेन बैलेंस है, सेविंग बैलेंस जो है, उसमें से जो अमाउंट है वो चैरिटी बॉक्स में क्यों जा रहे हैं, मैं आपको डेट दिखा देती हूँ कि अप्रोक्स 29 अप्रॉक्स 29 मार्च से जितने भी रेफरल्स जो है आप लोग बना रहे हैं उसके बाद जितना भी अमाउंट आप लोगों के बैलेंस में आपको दिख रहा है सेविंग बैलेंस में, उसमें से कुछ कॉइन्स जो है, मतलब अप्रॉक्स 90 कॉइन्स जो हैं वो जो लोग हैं मतलब जो ये इनके मेंबर्स जो हैं ई कॉइन्स के, ये चैरिटी बॉक्स में डालते जा रहे हैं। मतलब कि आपने रेफरल किए, आपके 600-700 टोकन जो आपको फ्री मिले उसमें से 90 कॉइन्स जो हैं वो लोग चैरिटी बॉक्स में डाल रहे हैं क्रोनो वायरस से जो पीड़ित लोग हैं या क्रोनो वायरस के लिए जो हेल्प वो लोग कर सकते हैं उसके लिए ये लोग उनको चैरिटी करेंगे। अब आपको समझ में आ गया और झटका भी लगा होगा क्योंकि ये ई कॉइन्स जो है वो बैलेंस जो है वो जा रहा है आपके सेविंग बैलेंस। सेविंग बैलेंस वो बैलेंस होता है जिसके क्वांटिटी के आधार पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट तो डिसअपॉइंटिंग वाली ही बात है कि मेन बैलेंस से यहाँ से चैरिटी बॉक्स में ये लोग देते जा रहे हैं, चाहे रेफरेंस का बैलेंस हो चाहे किसी भी तरीके से हो। बस यही बातें आप लोगों को बतानी थी। तो आप लोगों को जो फ्री के टोकन्स मिल रहे हैं एटलीस्ट वो तो आप ले ही लेना। अब बात कर लेती हूँ एक और ऐसे ही रेफरल प्लेटफॉर्म के बारे में, कॉइंसबिट के रेफरल प्रोग्राम के बारे में। गाइस, ये बहुत पुराना है और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा होगा और इसके बारे में पता भी होगा, बट इसकी अपडेट मैं दोबारा से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसकी भी मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको बतानी है जिससे कि आगे जाके आप डिसअपॉइंट नहीं हो। जब प्रॉफिट लेने का टाइम आता है तो टर्म्स एंड कंडीशन तब आप लोग समझते हो और तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है ना। तो ये भी कॉइंसबिट भी है, इसमें भी पहले से एक प्रोग्राम चला था सीएनबी के नाम से
जिसमें $300 तक के टोकन जो हैं सब लोगों को फ्री में दिए गए थे। रेफरल प्रोग्राम भी चलाया गया था, लोगों ने बहुत रेफरल किए थे, बहुत अच्छे खासे टोकन बनाए थे। पर वर्थ वैल्यू जब उनकी निकल के आई $300 तो बिल्कुल निकल के नहीं आई, $20 से $25 तक का ही लोग बेनिफिट ले पाए। इसी तरीके से एक और प्रोग्राम ये लोग चला रहे हैं CNG का, जहां पे हमको 30,000 टोकन दिए जा रहे हैं वो भी फ्री, और इनकी वर्थ वैल्यू भी $300 बताई जा रही है। मे बी CNB के जैसा ना निकले, CNG जैसा ही चले, अच्छा प्रोग्राम हमको मिल जाए। फिलहाल आप लोगों ने ज्वाइन कर ही रखा होगा, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखना पूरा, बिकॉज मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इनकी भी समझाने वाली हूँ जिससे आगे जाके आपको पछतावा ना हो। फर्स्ट थिंग, ये 30,000 टोकन आपको फ्री में कब मिल सकते हैं? जब आपका अकाउंट जो होगा वो 20 फरवरी 2020 के बाद का होगा। इज दैट क्लियर? बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि आपका अगर कॉइनस्वीप पे अकाउंट है तो आप रेफर कीजिए, आपको 30,000 टोकन मिलेंगे। जी बिल्कुल नहीं, अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ था 20 फरवरी से पहले का तो उस अकाउंट नहीं चलेगा, आपको 20 फरवरी के बाद का अकाउंट ही इसके लिए वैलिड होगा। सेकेंड थिंग आपकी ये होगी कि आपके पास में जो 30,000 टोकन आएंगे वो आपके होंगे, लेकिन जब आप रेफरल्स करते हैं तो 5 तरीके से आप अपनी रेफरल्स अर्निंग कर सकते हैं। ये 5 तरीके की रेफरल अर्निंग आपको समझा रखी है कि आपको 30,000 टोकन मिले, आपने किसी को रेफरल किया तो उसके रेफरल के थ्रू आपको 15,000 मिले। अब आपने जिसको रेफरल किया उसने किसी और को रेफरल किया, सो आपको 7,500 टोकन्स मिले और उसको 30,000 टोकन मिले। फिर इसने भी किसी को रेफरल किया तो आपको 5,000 टोकन मिले, इसको 30,000 टोकन मिले और इस वाले को 15,000 टोकन मिले। इसी तरीके से फिर इसने भी किसी को रेफरल किया, इसको 30,000 टोकन मिले, इसको 15,000 टोकन मिले, इसको 7,500 टोकन मिले और इसको 2,500 टोकन मिले। इस तरीके से ये 5 लेवल रेफरल प्रोग्राम है जहां अर्निंग डबल पे डबल होती जाएगी अगर आप अपने रेफरल्स को बढ़ाते जाएंगे। थर्ड टर्म्स एंड कंडीशन में आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप अकाउंट दूसरा नहीं बनाना चाहते, आप पहले वाला अकाउंट ही यूज में लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये बोनस के रजिस्ट्रेशन के 30,000 टोकन नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप रेफरल करते रहते हो तो रेफरल्स के जो आपको टोकन है ना, जैसे 15,000, 7,500 एंड 1,500 इन टोकन्स के थ्रू आपकी अर्निंग जो है वो डबल पे डबल होती जाएगी। बस आपके डिडक्ट होंगे ये 30,000 बोनस वाले। इज इट क्लियर? बस इतना ही है इसके अंदर। और एक और टर्म्स एंड कंडीशन बता देती हूँ, KYC जरूर आपको करनी है। अगर पहले वाले अकाउंट आपका बना हुआ है उसमें आपने KYC आधार कार्ड से कर रखी है, तो दूसरा अकाउंट बना के आप चाहे तो पासपोर्ट से या ड्राइविंग लाइसेंस से या अपने किसी और मेंबर के किसी भी डॉक्यूमेंट से आप KYC कंप्लीट कर दीजिएगा। KYC आपको जल्द ही कंप्लीट करनी होगी मई तक, क्योंकि जून के अंदर इन टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1 जून। इतनी अपडेट मैंने आपको दे दी है, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल हो। और थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, कुछ न्यू एड्रॉप्स के साथ।